Dia dalam. चलो बाबा साक्षात्कार के उपलक्ष्य में हम करो मंगलवार यहाँ तो रेलगाड़ी है नहीं जैसे दिवाली की शुभकामनाएं बधाइयां देते हैं अथवा कोई उत्सव होता है कोई पर्व होता है लेकिन ये न उत्सव है न पर्व है ये सामाजिक उत्सवों में भी नहीं आता धार्मिक पर्वों में भी नहीं आता ये घटना तो जीवन में कभी कभी कहीं कहीं घटती है इसलिए इसको मनाना की परंपरा भी कहीं देखी सुनी गई नहीं संतों का प्रागट्य दिवस मनाया जाता है देखा सुना गया है संतों का निर्वाण दिवस मनाया जाता है देखा सुना गया है जयंतियां और निर्वाण लेकिन ये घटना तो कभी कभी कहीं कहीं घटती है जन्म भी सभी संतों का होता है निर्वाण भी सभी शरीर का होता है लेकिन साक्षात्कार श्री कृष्ण कहते हैं मनुषाणाम सहस्त्रेषु हजारों मनुष्यों में कोई वास्तविक ईश्वर की तरफ चलता है सिद्धि के तरफ नहीं तो संसार की समस्या न आए अथवा समस्याओं का समाधान हो जाए इसीलिए लोग ईश्वर के तरफ अल्लाह खुदा गॉड के तरफ चलते हैं अपना जॉब बनी रहे अपना धंधा बना रहे अपनी इज्जत बनी रहे मरने के बाद अपने को अच्छा रहे उसी इरादे से धार्मिकता चल रही है कोई कोई विरला होगा तो बोले भगवान का दर्शन हो तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु हजारों में कोई विरला कश्चित एतद् सिद्ध है सिद्धि के तरफ जाता है भगवान के तरफ नहीं सफलता के तरफ मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतद् सिद्ध है यततां अपि सिद्धानां ऐसे कई कई सिद्धों में जो अंतःकरण की शुद्धि सत्य संकल्प सामर्थ्य अणिमा महिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियों के यात्रा तो करते हैं लेकिन उसमें भी कोई विरला ही तत्व को पाता है जैसे हनुमान जी का पूर्व काल
अष्ट सिद्धि नव निधि के यात्रा से संपन्न था, लेकिन तत्व ज्ञान पाने के लिए राम जी की बिन शर्ती शरणागति सेवा की और सीता जी और राम जी ने उनको तत्व ज्ञान दिया। काली माता के दर्शन की सिद्धि तो राम कृष्ण ने हासिल कर ली, लेकिन काली माता ने कृपा करके कहा कि तोतापुरी गुरु से तत्व ज्ञान लूं। काली माता के भक्त थे ठाकुर, तब तक वे गदाधर पुजारी थे। जब तोतापुरी महाराज ने उन पर कृपा की और तत्व ज्ञान दिया, तो जो राम का आत्मा है वो तुम हो, जो कृष्ण का आत्मा है वो तुम हो, तुम ही राम और कृष्ण हो। राम और कृष्ण तुमसे भिन्न थे नहीं, है नहीं और हो सकते नहीं। नाम पड़ गया गदाधर पुजारी में से राम कृष्ण परमहंस। नरेंद्र जी को राम कृष्ण परमहंस की कृपा मिली तो नाम पड़ा विवेकानंद। विवेक से जो आत्मा का आनंद पाया। अष्टधा प्रकृति अलग है, पांच भूत मन बुद्धि और अहंकार। अष्टधा प्रकृति को जानने वाला साक्षी चिदघन चैतन्य अपना आपा अलग है। ऐसा विवेक हुआ और आत्मा का आनंद आया तो विवेकानंद। लीलाशाह प्रभु जी की कृपा से आसुमल नाम का लड़का, उसको मैं जानता हूँ, वो उनके चरणों में गए। तो बचपन से ही कुछ का कुछ होता था। जन्म होने के पहले एक सौदागर आ गया, अभी ऐसे कोई झूले दिखते ही नहीं है। झूला तो क्या था, ऐसा शहजादा झूला था कि मैं तो झूलता था तब झूलता था। जब मैं बड़ा हुआ तो देखा कि उस झूले में तो चार आदमी छह आदमी झूल सकते, इतना बड़ा झूला था। पलंग से भी लंबा चौड़ा जाता था। तो जन्म होने के पहले एक अजगैबी सौदागर आया, बोले तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म होने वाला, ये झूला ले लो। तुम्हारे पिताजी तो धनी थे, बोले हम काय को लेंगे। बोले नहीं, ये दान मान नहीं है, हमको प्रेरणा हुई है। तो हमारा जन्म हो उसके पहले झूला भेजने वाले की कैसी लीला है, कैसी व्यवस्था है। फिर परशुराम गुरु ने कहा कि ये संत बनेगा आदि आदि। तो हमारे पिताजी भी हमारे को पूजनीय दृष्टि से देखते थे, माताजी भी। माता तो जब 86 साल की थी, सभी डॉक्टरों ने वैद्यों ने जब हाथ खड़े कर दिए तो मैं माताजी के दर्शन करने गया, तो माताजी हाथ जोड़कर कहराने लगी कि प्रभु अब मुझे जाने दो। उनको पता है कि मैंने दूध पिलाया है, तुम्हारा जो बापू लगता है वो माँ का तो बेटा अभी भी हूँ। तब भी मुझे हाथ जोड़कर कहराने लगी, प्रभु मुझे जाने दो। मैं क्या, मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले क्या करूँ प्रभु। मैंने कहा मैं मंत्र देता हूँ, और उसकी श्रद्धा ने, उस मंत्र ने ऐसा चमत्कार किया कि डॉक्टर ने कहा लीवर खराब है, कि गद्दियाँ दो घिस गई है, पाचन तंत्र काम नहीं करता, किडनी खराब है, 24 घंटे के अंदर ही चली जाएगी, अब 22 घंटे, अब 20 घंटे। लेकिन वो मंत्र मिला तो माँ 22 दिन बीत गए, 22 महीने बीत गए, 50 और 60, 70 और 80 महीने बीत गए। 86 साल की उम्र थी तब ये तकलीफ हुआ, 93 साल तक उनका शरीर ठीक ठाक रहा। तो उनकी श्रद्धा और मंत्र शक्ति का प्रभाव। तो कुल मिलाकर माँ भी मुझे पुत्र रूप में नहीं देखती थी, गुरु रूप में देखती थी। तो जिसने जो साधन किया उसके साथ हम लग जाते थे। जहाँ मंदिर मिला, जहाँ देवी देवता, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को शनिवार को लोटी चढ़ाने जाते। फिर जैसे पिताजी के चरण चंपी करते, ऐसे पीपल देवता को भी खूब उनके भी जड़ों को, उनके भी चरण दबाते थे। हरि ओम ओम तू ही ओम ओम, ऐसे करके खूब आलिंगन वालिंगन करते थे। मंदिरों में भी जाते थे, कहीं रास्ते में गुजरते हुए कोई मंदिर मिल गया
तो फिर अपन मैं ही रुक गए, दर्शन परसन किया, बाकी का जो होना हो। तो ऐसे करते कराते एक दिन ऐसा सौभाग्यशाली आया कि हम अपने कमरे में पूजा बूजा नियम करके फिर महादेव का मंदिर था वहाँ पूजा करने जाते थे। उसके बाद ही दूध बूध जो भी नाश्ता होता था लेते थे। तो एक युवक बिहार का था, बाद में पता चला बेहोश पड़ा था सड़क पे। तो कोई कुछ बोलता जा रहा था, कोई कुछ बोलता जा रहा था। मेरे पास पानी का लोटा, दूसरा दूध अलग से, और पूजा की थाली जो सामग्री थी मंदिर में जा रहा, तो मैं वहाँ रुक गया। जो शिव जी को पानी चढ़ाना था उसको मैंने छांटे मारे, पानी पानी तो पानी पिला दिया, भूख भूख तो मैं दूध पिला दिया शिव जी के हिस्से का। मैंने पूछा क्या कैसा, उस समय मेरी उम्र 21.5 साल की रही होगी। बाबूजी पिता मर गए, बिहार के हैं, घर में भाभी ताने मारते, कमाते नहीं, आराम का खाते, कमाने को निकले थे, अहमदाबाद आए, उसकी हालत भूख के कारण बेचारा बेहोश हो गया था, चक्कर का है। तो उसके से टूटी फूटी भाषा में उसने बोला कि भी कालूपुर स्टेशन पर कुलियों का काम करना चाहा तो सब कुलियों ने मिलकर मार भगाया, पैसा नहीं तो मैं पैदल पैदल मणिनगर स्टेशन जाना चाहता था। तो हमारे यहाँ से मणिनगर स्टेशन आधा किलोमीटर पे था, 1.25 किलोमीटर। तो चक्कर आ गए तो मैं गिर गया। तो लोग बोल रहे थे कि पिया है, पागल है, वो तो देख के अपना जजमेंट फतवा दे के जा रहे थे, लेकिन मेरा अंतरात्मा देव कैसा भगवान मेरा ख्याल रखे हैं, तो मैं भगवान कैसे मैं नहीं बोल सकता। तो जहाँ पूजा का वो पूजा करके भूख लगती तो आदमी जुआनी थी जल्दी, जो जैसे सब लोग जाते ऐसे हम भी चले जाते, पूजा करके दूध पी लेते, नाश्ता कर लेते, किसी ने रोका नहीं था। लेकिन वो अंतर्यामी की प्रेरणा हुई, उसको उठाया, फिर वो शिव जी की पूजा पूजा जब होगी तब होगी। घर गए, माँ को मैंने बोला ऐसा ऐसा कुछ बना दो, माँ ने भी वो मीठी रोटियाँ बना दी, मीठे परोठे नहीं, वो रोट होते ना मीठे मीठे रोट बनाती माँ, यहाँ ऐसे 2, 5, 7 बना दी जैसे 3 दिन 4 दिन खराब भी नहीं हो, 2-3 दिन खा ले। और मेरे खर्चे के जो पैसे थे वो उसको मैंने दिए, और पैडल रिक्शा में मैं उसको बिठा के मणिनगर के तरफ रवाना किया। आज मेरी पूजा हो गई बेटे, आज मेरी पूजा हो गई। मैं क्या कौन बोल रहा है, बोले मैं जिसको रोज जल और दूध चढ़ाते हैं वो मैं शिव जी बोल रहा हूँ। मैं क्या महाराज आप कैसे बोल रहे, ऐसा नहीं आकृति देखी ऐसी बात नहीं है, भीतर से ही आवाज है, मैं बोल रहा हूँ। अब तुम घर में नहीं रहोगे, अब तुम साधु बन जाओगे, आज मैं तुम्हारी पूजा सफल हो गई। अकेले में वही आवाज आओ वही बात, पूजा सफल हो गई। मैं क्या कौन बोल रहे हो, बोले मैं बोल रहा हूँ, कौन हो तुम, बोले मैं वही शिव हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो। तो फिर तो कुछ ही दिनों में ऐसा चक्र चला शादी बाजी का तेजी से, वो सब तो भागा भुगी हुई, कुल मिला के शादी वादी का चक्र उनका पूरा हुआ, लेकिन रुकने नहीं दिया उस देव ने। हम अपने बल से घर छोड़ के बापू बने, इस बात में कोई दम नहीं है। सच्ची बात ये बताता, हमने अपने बल से गुरु को रिझाया या साक्षात्कार किया, ये कोई इस बात में हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, आरजू नहीं है, जस्तजू नहीं, उसकी कृपा रही, भगवान की कृपा रही। सो जाने जासुदेहु जनाही, जानत तुम ही हो जाई। जिसको वो परमेश्वर वरण करता है,
जिस पर रिझता है हमारे कोई सत्कर्म कोई सेवा न जाने कौन सी बात उस अंतर्यामी दृष्टा को जच जाती है, हम उनको जच जाते तो फिर वो हमारा हाथ पकड़ के ले जाते। ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी प्रेरणा और ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि उसका वर्णन करेंगे तो बाबा फिर अपन भाव विभोर हो जाएंगे। आप भी देखेंगे कि बापू को क्या हो गया। इसीलिए मन को जरा इधर नीचे लाकर बात वर्णन कर रहे हैं कि घर छोड़ के निकले तो दौड़ते दौड़ते पहुंचे हो आप, अपन दौड़ते पहुंचे गाड़ी में। फिर महाराज गुरु की खोज करते कराते नैनीताल पहुंचे, नैनीताल में आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे ऐसे करके कोई 20-25-30 दिन बीत गए। फिर मेरे गुरुदेव आए जिनको मैंने हृदय से गुरुदेव मान लिया था, तो वहाँ भी महाराज वो जो सीनियर जूनियर का होता है आजकल का आया हुआ घर छोड़ के, और बताना तो सच सच है घर में कौन कौन है, मेरा दो भाई है माँ है, बहनों की शादी हो गई, छोटी बहन की भी शादी हो गई, मेरी भी उन्होंने शादी करा दी लेकिन मैं तो भाग के आ गया हूँ उसको समझा के आ गया हूँ माँ की बहू को। तो मेरे गुरुजी तो दूरदृष्टा थे लेकिन बाकी लोग सब जान गए, तो साईं मेरे गुरुजी को बोलते कि समाज में कितना बदनामी होगी, शादीशुदा एक लड़का अपनी औरत छोड़ के इधर आके रहे, नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा, क्या का क्या वो बोलते रहते थे। क्योंकि गुरुजी का मेरे पर थोड़ा विशेष कृपा रही, प्रेम रहा, तो उनको लगा कि हम इतने पुराने और ये अकल आया और आज ही शास्त्र पढ़ने लग दे दिया साईं ने, आज ही उनके द्वारा चिट्ठियां लिखाने लग गए, जो भी काम वो मेरे हवाले करते। तो गुरुजी तो ये पढ़ने का और सत्संग का करते, लेकिन वो जो भगाने वाले बोले पानी की सेवा करवाते, बर्तन मंजवाने की करवाते, सब्जियां ले आओ ऐसे ले आओ ऐसा ऐसा काम सौंपते कि हम न चाहें तो भी हम भाग जाएं ऐसी उनकी बड़ी कृपा रही। विरोधी भी बड़ी कृपा करते हैं, विरोध में हम ईश्वर के तरफ जाएं और जितना विरोध होता है उतना ही वो विरोधियों की कृपा माननी चाहिए। आगरे के कुछ लोग आए थे तो उन्होंने ख्वाहिश की कि हमें चाइना पीक देखने जाना है, तो फिर ये जो भी मेरे पर ज़्यादा कृपा करने वाले थे उन्होंने मेरे को आके सुनाया कि साईं की आज्ञा है कि इन मेहमानों को चाइना पीक दिखाना है। मैं कह जो आज्ञा, अब मैंने कभी देखा ही नहीं था, नाम भी नहीं सुना था, लेकिन चाइना पीक दिखाना है तो सब हैं, तो मैं गया उनके साथ सुबह सुबह हो गया, सूर्य उदय होने के पहले पहले सब निकले तो हम भी निकले, तो 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे और उस पहाड़ी पर थोड़ा गए तो मौसम तो खराब था, ओले बरसात, बोले यार नहीं जाना है। उस समय आशाराम नहीं बने थे, वैसे ही थे जैसे आप लोग आते ना भगत जी, भगत नहीं जाना, मैं कहा नहीं कैसे जाना है, साईं ने आज्ञा किया कि इनको चाइना पीक दिखा के आना, मैं तुमको ऐसे कैसे जाने दूंगा, चलते हैं। कुछ थोड़ा बहुत समझाया, कभी हाथा जोड़ी करे वो थोड़ा चले, लेकिन वो सब जो गए थे सुबह पहले वो लौट के आ रहे, बोले मौसम खराब है, कोहरा है, दिखेगा नहीं। अरे बोले यार ये दिखेगा नहीं, जाके वापस लौट रहे हैं, हमारा क्यों काला मुंह करता है तू नहीं नहीं साईं, अब साईं ने मेरे को आमने सामने नहीं कहा था कि जाओ इनको दिखा के आओ, उन्हीं भाईजानों ने प्लानिंग से मुझे सुना दिया, साईं को तो पता बाद में चला होगा तो मेरे को तो ना साईं की आज्ञा, तो मैं चलो। वो थोड़ा देर चले और उसमें कोई 1-2 डॉक्टर था, पेट बाहर था, वो तो पहले ही बांह पुकारे, वो वर्णन करूं तो उसमें 3-4 घंटे में हम पहुंचे, लेकिन 3-4 घंटे में पहुंचे हम 5 घंटे में, शायद 1:30-2 बजे पहुंचे, 6 बजे निकले तो 1:30-2 बजे वहां पहुंचे नैनीताल में। अभी नैना पीक नाम रखा गया, पहले चाइना पीक था, कहीं चीनी ये ना बोले कि ये भी हमारा है इसीलिए नैना पीक नाम रख दिया।
तो करीब 1:30-2 बजे पहुंचे, तो वहां तो सुनसान, वैसे तो चाइना पीक से वहां दूरबीन से चाइना का एवरेस्ट देखता था, क्या क्या बड़े पहाड़ देखते थे। उसके पास कोई ग्राहक नहीं, तो हमारे जो 5-7 थे लोग, उनको बड़े प्रेम से दिखाए थोड़ी पैसे में, हाँ देखो देखो खाली पड़ा। भरपेट सब देख दाख के वापस लौटे, तो लौटते लौटते सूर्य डूब रहा था। सुबह सूर्योदय के पहले गए थे और शाम को सूर्य डूबने के बाद पहुंचे, तो जाके गुरु जी के चरणों में मत्था टेका। बोले क्यों, क्या बात? बोले साईं चाइना पीक देखने गए थे। तो बोले कैसे गए? अरे बोले वो तुम्हारा है ना आंसू मल नहीं है, क्या नाम लिया होगा, वो तुम्हारा भगत, हम तो साईं, अब साईं ने देखा, मौसम तो खराब था, कोहरा कोहरा था, कैसे देखा? अरे ये तो भाई तुम हाँ साईं, ऐसा तुम्हारा ये भगत है कि बोले मेरे को तो साईं की आज्ञा है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, कभी मेरे हमको उपदेश दे हुए, कभी हाथा जोड़ी, कभी कभी कुछ कभी कुछ, बस इसने तो ऐसा किया कि आखिर हमको वहाँ पहुँचा ही दिया। बोले फिर क्या हुआ? बोले साईं फिर वहाँ मौसम साफ तो देख के आए? बोले हाँ। साईं ठहरे, अरे बोले जो साईं की आज्ञा मानता है तो उसकी प्रकृति आज्ञा मानेगी। ओ मैंने तो सुना तो मेरा तो भाई झोली भर गई, ऐसी भर गई कि वो झोले से अभी और ओवरफ्लो हो रहा है। उन्होंने तो साजिश करके मेरे को धकेला, और मैं सोचा कि गुरुजी की आज्ञा है तो चलो तुम वापस कैसे। गुरुजी ने कहा है कि इनको चाइना पीक दिखा के आएगा आशा आंसू मलिया है जो, तो फिर मैं इनको दिखाए बिना जाने नहीं दिया। तो बोले जो गुरु की आज्ञा मान, जो आज्ञा मानता है तो फिर उसकी प्रकृति भी तो आज्ञा मानेगी। अय है सर्प विशीले प्यार से वश में बाबा तेरे आगे, वही सब आप लोग जानते हैं, सब मेरा कुछ भी नहीं है, ये भगवान अंतर्यामी ईश्वर की और गुरु की ऐसी ऐसी भाई ऐसी कृपा है, ऐसा ऐसा कुछ हमने देखा अनुभव किया कि वो वाणी में ही नहीं आ सकता, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे घटनाएं देखी, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे, क्या 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 कितना लाभ हुआ मैं सोच नहीं सकता। घर छोड़ के गए थे तो ऐसा थोड़े था कि मुझे ऐसा कोई तत्व ज्ञान होगा, या तत्व ज्ञान क्या होता है ये पता नहीं था। सोचा कह चलो शिव जी को, भगवान को पाना चाहिए, एक बार शिव जी को प्रकट करेंगे, शिव जी बोलेंगे क्या चाहिए बेटा पूछो, क्या चाहिए वर मांगो, मैं बोलूँगा बस कुछ नहीं चाहिए, शिव जी खुश हो जाएंगे। हम बाद में तो अनुष्ठान करते समय लीलाशाह जी के पास पहुँच, क्या आप कौन बोल रहे हैं? बोले वही बोल रहे हैं तुम्हारे, हम सभी रूपों में तुमको वहीं मिलेंगे, शिव पार्वती गणपति सभी रूपों में वहीं मिलेंगे। क्या ये तो मेरे मन की आवाज़ है कि आप बोल रहे हो कि नहीं हम बोल रहे हैं, तो प्रमाण क्या? तो ऐसा सोचते सोचते मंदिर में जाते तो शिव जी के ऊपर जो सिंगार विंगार होता वो लुढ़क जाता, पार्वती के सिर पर जो फूल वूल पर वो लुढ़क आते। तो ये सुना हुआ था कि देव मंदिर में जाओ जब फूल या उनका श्रृंगार कुछ प्रसाद लुढ़कता है तो समझ लो देव प्रसन्न है। तो ऐसे ऐसे तो खूब होते थे, बाकी तो क्या प्रचुरन तो कितना क्या क्या होता था। ये करते कराते हाँ शुद्ध शुद्ध 2 दिवसीय अनुष्ठान में प्रेरणा हुई, तब प्रेरणा हुई तो मेरे को तो प्रेरणा हुई जाओ जाओ अब 40 दिन पूरा हो। 40 दिन पूरा होने के पहले ही माँ और उसकी बहू को गंध आ गई कि नर्मदा किनारे है, तो भाई ने भेजा जाओ रो दो उनको ले आओ। तो आके रह गई जहाँ हम रहते थे पास में ही आश्रम धर्मशाला ये वो जो था संस्था का वहाँ रह गई। चलो चलो मैं कहा अभी 40 दिन पूरा होने दो। जिसके साथ आई वो हरगोविंद पंजाबी मेरा मित्र था, बड़ी उम्र का था मेरे से, मैं क्या अब ये घर ले जाना चाहते हैं, अब मेरे को तो ईश्वर प्राप्ति करनी है, तुम ऐसा करो तुम्हारी टिकट माँ की टिकट उनके बहू की टिकट तो अहमदाबाद की ले आओ, और मेरी टिकट ले आओ बम्बई की, और अभी यहाँ से माँ तो पढ़ी लिखी नहीं, वो भी किस टिकट तो अपने हाथ में है, तुम किसी को बोलना नहीं,
अभी तो यहाँ से चलेंगे मियाँ गांव तक साथ में, फिर अहमदाबाद से बंबई जाने वाली गाड़ी और यहाँ से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी क्रॉसिंग होता है, तो मैं दौड़ के उस गाड़ी में चला जाऊँगा। तो उसने तो मेरी बात मानी, हमारा सेटिंग था। अब महाराज वहाँ जहाँ मियाँ गांव छोटा मोटा जंक्शन है, अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी में से मैं उतरा तो माँ को डर था कि पहले भी खिसक गया, कहाँ जाते कहाँ जाता बेटा कहाँ जा, मैं कह आता हूँ। अब वो सामने गाड़ी बम्बई, तो दौड़ के वो गाड़ी में, अरे वो माँ पुकारे, बेटा बेटा, अरे मेरा बेटे को पकड़ो, बुलाओ बुलाओ, भाई क्या हुआ, क्या छीन गया, वो गाड़ी उधर वो गाड़ी उधर, क्रॉसिंग थी। हमारी गाड़ी बम्बई के तरफ भागे और वो मेरी माँ और वो जो पंजाबी हरगोविंद उसकी बहू बैठी थी वो, और चिल्लाती गाड़ी में उसके भीड़ भड़का। मैं चढ़ा, बोले क्या हुआ क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो क्या हम चोर डाकू तो थे नहीं, उस समय भी वाणी का तो प्रभाव था, मेरे कुछ भी नहीं, ऐसा क्या है। तो माँ के ऊपर कैसी बीती होगी और अपने छाती पर कैसा भगवान ने विवेक की चट्टान रख दी होगी। बस तो वही शाम को गाड़ी में ना, सुबह वहाँ पहुँचे तो गुरुजी घूमने निकले थे। अच्छा आ गया, उनके कहने से गुरुजी ने आज्ञा दिया ना, जाओ घर पे जाके ध्यान भजन करना। अब घर तो राजसी वातावरण है, कहाँ ध्यान भजन हो गए। तो 13 दिन में ही वहाँ से घर से चले, फिर 40 दिन का अनुष्ठान किया नर्मदा किनारे, फिर गुरुजी के यहाँ पहुँचे। तो बोले भगवान सब ठीक करेगा। हाँ भगवान ठीक करेगा तो क्या, पता ही नहीं था कि भगवान भगवान का माई बाप ये ब्रह्मवेता है, उस समय तो पता ही नहीं था। ये जो भी भगवान है वो सब ब्रह्मवेताओं के पैदा किए हुए हैं, ब्रह्मवेताओं के मानस पुत्र हैं। हम लोग जिनको भगवान मानते हैं पूछते हैं, भगवान सब ठीक करेगा, भोजन भोजन में अपना नियम वियम क्या रहा, नहाए धोए, 12-1 बज गया, वही महाराज 2:15 बजे जरा थके थकाए थे, आड़ साईं बुला रहे, दौड़ के गए, पंचदशी दी, उसी को हरीफ को दिया पढ़ने को, जो बापूजी की चंपी करता, सेवा करता, रोटी बनाता, मुझे भगाने के लिए उसने कसम खा रखी थी। कसम तो क्या है, मतलब ऐसे ही करता था बेचारा, साईं बुला रहे, उसको पंचदशी दी, पढ़ो, वो पढ़ता जाए। हमको इशारा किया कि ऐसे, मतलब सुनना। अब मैं उधर सुनूं, आज साईं यूं बैठे रहे, बैठे बैठे यूं नजर डाली महाराज, फिर सुनना मुन्ना क्या है, आए तो क्या क्या ऐसा आनंद, ऐसी अनुभव, देखा कि तो मेरी महिमा गा रहा है शास्त्र भाई। तो अब वहाँ वाणी नहीं जाती, 2.5 दिन तक तो ऐसे मस्ती मस्ती, कोई कोई कल्पनातीत, गुणातीत, देशातीत, कालातीत। साईं का संकल्प था कि लोगों के सेवा में लगे, तो फिर अपन उसी तरीके के, इसीलिए अपने पास अभी सभी मजहब के, सभी जातियों के, सभी वह के लोग आते हैं और संतुष्टि मिलती है, तो ये अपन सब दिशा से गुजरे हैं थोड़ा।